दिल्ली के पूठकला क्षेत्र में झुग्गियों में आग लगी है और आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौके पर मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मैदान की तरह यहां पर खाली हो गया है। पेड़ भी है, यहां पर झुग्गियां थी और सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग रहते थे और इस वक्त ये पूरा का पूरा इलाका जो है आप देख सकते हैं कि आग की लपटों से आप पूरा का पूरा इलाका पटा हुआ है और इस आग को बुझाने की कोशिश भी कर रहे हैं फायर के लोग। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से धुएं का गुबार और आग का गुबार आपको यहाँ पर चारों तरफ दिखेगा। पेड़ में भी आग लग गई है और तमाम ये रिहायशी इलाका है पूठकला क्षेत्र में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झुग्गियाँ थी और यहाँ पर लोग रहते थे और कूड़े के भी ढेर यहाँ पर आसपास में बहुत सारे थे और इसमें इतनी बड़ी आग लगी है, एक बड़े क्षेत्र में ये आग लगी है और इस वक्त इस आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है। क्या इसमें लोग भी हताहत हुए हैं अभी इसका कोई अपडेट नहीं, क्योंकि ये ताजा आग है और अभी सिर्फ आग को बुझाने की कोशिश हो रही है। एक बार इसको बुझाने के बाद ये जानकारी मिल पाएगी कि क्या इसमें लोग भी फंसे हुए थे। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जिस वक्त आग लगने की जानकारी उनको मिली उस वक्त वो सो रहे थे और जब वो उठे यहाँ पर तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ आग ही लगी हुई है। हम इस वक्त यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर मौजूद थे जब आग लगी थी? तो सर मैं सो रहा था उस टाइम। कैसे पता चला कि यहाँ पर आग लगी है? बगल में आवाज आया मुझे, तब पता लगा। क्या आवाज आई? यही दगने का, यही डरने का। सब बताने लगे कि लगा है। देख सकते हैं कि तमाम सायरन भी आपको सुनाई दे रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि और भी लोग हैं जो कि आसपास ही रहते हैं। ये तमाम लोग हैं जो कि आसपास ही यहाँ पर मौजूद थे। आप लोगों ने क्या देखा, कब लगी आग? जी 12 बजे के टाइम लगी थी, हम लोग सो रहे थे तो उसमें हमें आवाज लगी, फिर हम देखा हमने तो आग ही जल रही थी। फिर हमारे बच्चे लोग रहते हैं इधर, सबको निकाल के हम बाहर ले गए। बाहर ले जाने के बाद में फिर हम इधर नहीं आए, बहुत आग जल रही थी। झुग्गियों का इलाका था, कितने लोग रहते होंगे इधर? ये सर अंदाजा नहीं है इसके बारे में। क्या जानकारी है इसके बारे में, जो भी ये आग लगी है उसके बारे में आप लोगों को? यहाँ पर जी ये पन्नी बिनने वाले रहते थे और बंगाली ज्यादा थे और काफी संख्या में थे, कोई 200-250 के आसपास होंगे। तो वही है कि ये सब पन्नियां बिनते थे और अचानक आग लगी और आग लगने के बाद वो फैल गई हवा चलने के साथ ही। आप लोगों को किस वक्त पता चला कि इतनी बड़ी आग यहाँ पर लगी है? हम लोग यहीं रहते हैं तो मुश्किल से 5-7 मिनट के अंदर ही जहाँ हल्ला हुआ तो फिर पता चल गया। जो लोग रहते हैं वो इधर उधर भागे होंगे, किसी के फंसने की जानकारी भी आई कि कोई रह गया हो या फिर? भागे तो थे लेकिन अब उनके में से कुछ क्या है और क्या नहीं है वो पूरा थोड़ा ज्यादा दूर था जी है, उधर से अगर जो निकल गए वो निकल गए, एक आध ऊपर से आया है दीवार फांद के। एक्चुअली जो आग लगी थी वो उसी रास्ते के पास ही लगी थी जो इनके निकलने का था, तो अब उसमें से कुछ निकल गए होंगे, कुछ और दूसरा रास्ता बना के निकले होंगे तो निकल गए होंगे। मतलब बहरहाल इस बात की जानकारी नहीं है कि कुछ लोग यहाँ पर फंसे हुए भी हो सकते हैं? इसका कुछ नहीं पता, इसका कुछ नहीं पता, इस बारे में भी कुछ नहीं पता। तो आप देख सकते हैं कि बहरहाल 1 घंटे हो गए और इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है लेकिन इस बात का पता अभी तक नहीं लगाया जा सका कि कोई यहाँ पर फंसा हुआ है या फिर सभी लोग सुरक्षित निकल गए थे। एक जगह पर यह आग लगी और देखते ही देखते पूरे इलाके में ये फैल चुकी है और जैसे जैसे आग पर काबू पाया जा रहा है, आप नीचे की तस्वीरें दिखाना हम आपको चाहेंगे, तस्वीरें अगर आ सके तो। आप देख सकते हैं कि तमाम ये रिक्शा जो है, रिक्शा खड़े हैं यहाँ पर और ये तमाम जो है वो जल के अब खाक हो चुके हैं, सभी सामान अब दिखने शुरू हो गए। जैसे जैसे आग पर काबू पाया जा रहा है वैसे वैसे ये दिख रहा है कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग रहते थे और ये रिक्शा भी जिस पर वो कूड़ा बिनने के लिए जाते होंगे वो तमाम जो है वो आग की चपेट में आ चुका है। हालांकि अभी आग पूरे इलाके में लगा हुआ है और इसे काबू पाने में काफी समय लगेगा और इस बात की बहरहाल जानकारी लोगों को नहीं है कि क्या इसमें लोग और फंसे हुए हो सकते हैं। तो जब इस आग पर नियंत्रण पा लिया जाएगा तब इस बात की जानकारी मिल पाएगी कि कितने लोग इसमें फंसे हुए थे या फिर सभी लोग सुरक्षित निकल गए थे। कैमरा पर्सन चेतन के साथ दिल्ली पूठकला से अभिजीत ठाकुर।